भाई हमारे देश में खाने की ऐसी जगह है एक जिस पर खाना खाने के लिए जाने के लिए सीना होना चाहिए, दिल चाहिए। ये देखो व्हाट इज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन। इसका मतलब इसका जो मालिक है वो शाकाहारी है। और भाई सारे कुक भी शाकाहारी हैं। तुझे बड़ा पता, तू खा गया है? अरे विकल्प, हाँ तुझे पता यार एक नया सैलून खुला है, हाँ? चलेगा क्या कटिंग करवाने के लिए है? चलेगा? मैंने जाता, मेरा सैलून फिक्स है, मैं वहीं पे। अरे नहीं नहीं, बढ़िया खुला है भाई, तेरी कटिंग ऐसे करे हीरो। क्या बात कर रहा है, ये देख इसको जाएगा तू। अगर आप ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ है हियर कटिंग सैलून। यार लोगों को इस सैलून का रेट लिस्ट नहीं बताएगा। ये देख कैटिंग 20 रुपए, सिंपल सेविंग 10 रुपए, चाइल्ड कैटिंग 15 रुपए, सस्पल सेविंग 15 रुपए, सिंपल फेस वॉश 30 रुपए, स्पेशल फेस वॉश 50 रुपए। वैसे अंग्रेजी के आइटम भी बड़े अजीब होते हैं। सही बात है यार, नाम है पिज्जा और होती खाने की चीज है। ये बात भाई बिल्कुल सही है, मुंबई में मैंने देखा है, हाँ। समुंदर के साइड को बीच कहते हैं, तो फिर बीच को क्या कहेंगे? साइड हो यार। अरे वो सब छोड़ यार, ये ढाबे वाले को देख, टेस्टी प्याज पकोड़ा, टेस्टी गोभी पकोड़ा, टेस्टी आलू पकोड़ा, टेस्टी छोला भटूरा। छोला भटूरा नहीं, टेस्टी छोला भटूरा। पकोड़े भी सोच रहे होंगे यार क्या इस आदमी ने हमारा टेस्टी खराब कर दिया है। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इस भाई साहब की दुकान को देखिए, ये क्या बेच रहे हैं? यार इस दुकान पर सिर्फ सपेरे आते होंगे। अरे भाई नहीं आती तो क्यों लिखते हो, कौन कहता है अंग्रेजी लिखने को? भाई अंग्रेजी में लिखने के शौकीन ये अकेले नहीं है, हाँ। जरा ये भी देखिए, राज बेड्स दीपिका, मतलब 13-12 को शादी हुई, 13 को बेड पे जाएंगे वो। यार ये ऐसा बेड्स होता है ना, ये बेड्स क्यों लिखा है इन्होंने? अरे भाई शादी हो जाती दोनों एक होंगे ना, फिर थकान भी काफी हो जाती है। थके होते हैं बेचारे, सोने के लिए बेड तो चाहिए ना शादी के बाद। इन्होंने तो अपने शादी वाले दिन सबको बता दिया कि ये अगले ही दिन क्या करने वाले। ऐसे अंग्रेजी सच में एक फनी लैंग्वेज है। अब जरा ये देखिए, लेडीज हॉस्टल ऑल्सो फॉर मेन। थप्पड़ मारना तेरे, खुद कुछ कर नहीं सकते, किसी और को करने नहीं देते। यार एक मुझे बात बता, ये वैसे साइलेंट वर्ड होते क्यों है इंग्लिश में? क्या ये अक्षर शादीशुदा है? खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! ए रुक! ए रुक! ए!
इतना छुप के वार करने में कोई बरदारगी नहीं है।